Hello everyone, I am Gagan Latta, director and founder of SUTRA Academy, India's pioneer institute for providing e-learning classes for GATE Mechanical. So students, I welcome you all to today's episode of GATE Success Sutra. Previous episode में हमने देखा था कि आप अपने weekly plan, weekly targets को आप किस तरह से achieve कर सकते हैं. Weekly plan उसके लिए मैंने आपको दिया था और मैंने ये बताया था कि आपके एक अगर एक बड़ा goal है तो उसको आपको divide करके छोटे छोटे goal में लाना है और उन goals को हमको target करना है. उसी को एक step और आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अब अपना डेली प्लान किस तरह से शेड्यूल करना है. ये जरूरी क्यों है पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं. अगर आपका डेली प्लान क्रिएटेड नहीं है देन आपके पास उस पर्टिकुलर दिन के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होता है. अगर आप बिना प्लान के आप अपना दिन निकाल रहे हैं देन यू विल नॉट गेट एनीवेयर. द रीज़न बींग कि हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड आ जाए, उसने कहा कि चल यार घूम के आते हैं तो आप उसके साथ घूमने निकल गए. कोई एक अच्छी वेब सीरीज़ आ जाए तो आप वेब सीरीज़ देखने लग जाते हैं. तो इसलिए जब तक आपके पास एक सॉलिड प्लान, पूरे दिन का प्लान अगर आपके पास नहीं है उस दिन के लिए देन डेफिनेटली आप उस दिन में बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे. तो इसलिए आपको अपने दिन को भी जैसा हमने वीक को प्लान किया था उसी तरीके से आपको अपने दिन को शेड्यूल करना होगा, प्लान करना होगा, तभी आप एक अच्छी प्रिपरेशन खुद से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो ये डेली प्लान आपको मिल जाएगा. इसका टेम्पलेट भी अवेलेबल है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में. आप डाउनलोड सेक्शन में जाइए उसके, वहाँ पर आपको वीकली प्लान का भी शेड्यूल मिल जाएगा, टेम्पलेट मिल जाएगा और डेली प्लान का भी टेम्पलेट मिल जाएगा. इसको भरना किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ. ओके, सो ये आपको टेम्पलेट सामने स्क्रीन में दिख रहा है. इसको हमको एक दिन पहले रात को आपको इसको भर के सोना है. ये बहुत ज़रूरी है. एक रात पहले अगर आप सेकेंड डे का बना लेते हैं आपके पास पूरी क्लैरिटी रहती है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, रात को आपके वो चीज़ सबकॉन्शियस में पूरी तरह से सेट होता हो जाती है. जब आप प्लान बना के रखते हैं तो उसके बाद वो चीज़ सबकॉन्शियस में पूरी तरह से सेट हो जाती है. आप सुबह उठते ही सीधा आपको अपने दिन के बारे में पता रहता है कि आप आज के दिन क्या करने वाले हैं. ये बहुत ज़रूरी है. वही चीज़ अगर आप सुबह करते हैं उस चीज़ को तो सुबह में आपको हो सकता है कि आप उतनी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है. सुबह का जो गोल्डन आवर्स है, जो शुरू का जो आवर्स है, जो आपको एक्चुअल में यूटिलाइज करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, आप उसको अपनी प्लानिंग में यूटिलाइज करेंगे. तो बेटर है कि इस प्लान को हम रात को बना के सोए. ओके, तो किस तरह से आपको बनाना है तो आप देख सकते हैं. सबसे पहला तो आपका है स्मार्ट गोल. स्मार्ट गोल मैंने आपको कहा है कि आपको अपने गोल को डेली बेसिस में लिखना है. आपको पूरी तरह से ये जो गोल है आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाना चाहिए और यही वो गोल है जो कंटिन्यूसली आपसे फिर मेहनत कराता है. इसलिए वीकली प्लान भी जो मैंने आपको दिया था उसका टेम्पलेट में ही मैंने आपको बोला था कि आपको हर वीक वो चीज़ लिखना है. डेली प्लान में भी डेली आपको ये अपने गोल को फिर से रिपीट करना है, लिखना है. उसके बाद आपको अपने टुडेज प्लान में आ जाना है. टुडेज प्लान लिखा है, हाउएवर ये आपका दूसरे दिन का प्लान रहेगा, बट क्योंकि वो सेकेंड डे पूरे दिन आपके सामने रहेगी ये चीज़, तो इसलिए आपको टुडेज प्लान इसमें लिखना है. देन इसमें आपको सबसे पहले तो इसमें टाइम दिया हुआ है. आप टाइम स्लॉट में आप डिवाइड कर सकते हैं अपने पूरे दिन को. कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक आप कवर करने वाले हैं वो चीज़ लिख लीजिए. एक्टिविटी मतलब आप उसका न्यू टॉपिक है, आप उसको या न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं या रिवाइज करने वाले हैं या उसमें के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं या उसमें के टेस्ट सीरीज देने वाले हैं, जो भी कुछ करने वाले हैं वो आप यहाँ एक्टिविटी में लिख सकते हैं. देन उसके बाद आते हैं स्टेटस. तो ये चीज़ें आपको पहले से भरनी है. ये जितनी भी एक्टिविटी है आपकी, जितने सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट और एक्टिविटी आप सोच के रख रहे हैं वो आपको पहले दिन भर देनी है. इसके बाद फिर आपको भरना है हाउ विल यू स्पेंड फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ द डे. पहले 2 घंटे आप दिन के कैसे स्पेंड करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है. पहले 2 घंटे जो रहते हैं आपके दिन के वो गोल्डन आवर्स रहते हैं. वो ऐसे घंटे रहते हैं जिसमें आप जो भी काम करते हैं आप अपने पूरे फोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ करते हैं. धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं आपकी एनर्जी जो है वो कम होते जाती है. बट हम लोग करते क्या हैं, हम लोग उस 2 घंटे को सही तरीके से उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, उसको यूटिलाइज नहीं करते. हम हो सकता है कि मोबाइल देखने में उसको कर ले, टीवी देखने में उसको कर ले, फ्रेंड्स के साथ घूमने में उस 2 घंटे को बिता दे, जो भी है. बट हम सही तरीके से अगर वो 2 घंटे प्लान नहीं करते हैं तो हम मान के चलिए आप अपना 30-40% अपने दिन का आप वेस्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये आपको लिखनी है और इसको फॉलो करनी है. हाउ विल यू स्पेंड फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ द डे. जो भी आपका डिफिकल्ट टॉपिक है, जो प्रीवियस दिन का रह गया या जो भी चीज़ आपको लगती है कि ऐसी चीज़ जो मेरे को थोड़ी सी मुश्किल जा रही है करने में, उसको आप उस 2 घंटे के लिए रिजर्व रखें. क्योंकि उस 2 घंटे में आपका माइंड
जो रहता है वो पूरी तरह से फ्रेश रहता है। कोशिश यही करनी है कि हम मॉर्निंग से ही वो चीज़ चालू करें, 5 बजे 6 बजे जैसे भी आप उठते हैं उसको आप सुबह के टाइम ही उस चीज़ को शेड्यूल करें। तो पहले 2 घंटे आपको वो देखना है, लिखना है कि पहले 2 घंटे में आप क्या चीज़ करने वाले हैं, देन उसमें पूरे दिन में आपके क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं। सेकेंड डे जैसे मैं आज रात को भर रहा हूँ, मुझे पता है कि कल ये चीज़ हो सकती है, तो आपका प्लान फॉलो करने के लिए आपको क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं जितना हो सके उसको प्रेडिक्ट करें। अनप्रिडिक्टेबल कोई आते हैं तो उसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते, बट अगर वो चीज़ प्रेडिक्टेड रहती है तो हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हैं, एंड हाउ विल यू ओवरकम दैट पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये सारी चीज़ आपको पहले दिन से भरनी है। फिर सेकेंड डे जब आप अपना प्लान स्टार्ट करेंगे, अपने प्लान पर वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, तब आपको फिर ये सारी चीज़ भरनी है, स्टेटस उसका कि कैसे ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन सा टॉपिक आपका हो गया है कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है, ये आप स्टेटस इसमें भर सकते हैं। देन जो टॉपिक नहीं हुआ है उसके कंपेंसेशन के लिए क्या प्लान्स हैं आपके पास आगे, जो जो टॉपिक आपने छोड़ा है उसको आप कहाँ पर कंपेंसेट कर सकते हैं, देन रिमार्क्स अगर कुछ और उसमें एक्स्ट्रा लिखना है तो वो सारी चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक दिन का प्लान होगा। ये मैं 7 शीट्स इसमें अटैच कर रहा हूँ, आप जब डाउनलोड करेंगे आपको day 1 से लेकर day 7 तक का सेम चीज़ आपको मिलेगी। इसके बाद मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक वीकली प्लान वाली चीज़ बताई थी, तो उसके बाद आप वीकली प्लान वाली चीज़ भी रख लें, और ये ज़रूरी है इसको आप प्रिंट निकाल के इसमें जब भी आप भर के अपने स्टडी प्लान, अपनी स्टडी टेबल का जो भी बोर्ड आप यूज़ करते हैं, नहीं करते तो उसको कर लीजिए, बोर्ड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक बोर्ड बना लीजिए, हो सकता है थर्मोकोल की शीट का, ऊपर आप उसमें वेलवेट का पेपर लगा के उसको बना दिए, और इस प्लान को डेली प्लान को वहाँ अटैच कर दीजिए, अपने वीकली प्लान को भी वहाँ पर अटैच कर दीजिए, और डेली प्लान को वहाँ पर अटैच कर दीजिए, और जो भी चीज़ ज़रूरी रहती है वो सारी चीज़ आप वहाँ पर अटैच कर दिया कीजिए। ओके, तो ये प्लान जो है ये डेली के डेली आपको सामने सामने अपने दिखते रहना चाहिए, ताकि वो चीज़ आपको पिंच होती रहे कि आपको ये चीज़ करनी है। तो अगर आप अपना दिन सही बिताते हैं देन डेफिनेटली आपका पूरा वीक सही बीतेगा, आप वीक सही बिताते हैं आपका मंथ सही जाएगा, आप मंथ सही बिताते हैं आपका ईयर सही जाएगा, एंड डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। तो इस प्लान को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में। आप मोबाइल एप्लीकेशन में जाके, फिर से मैं बता देता हूँ, वहाँ पर एक डाउनलोड्स का सेक्शन है, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप वहाँ पर उसको डाउनलोड करके इसको आप फिलअप करना, आज ही से फिलअप करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे, खासतौर पर गेट मैकेनिकल वालों के लिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, साथ ही कई सारे कोर्सेज जो है इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग मैथ्स कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। तो बहुत सी रिसोर्सेज आप वहाँ पर प्रिपरेशन की यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ इसमें कमेंट करते रहे ताकि हमको पता चले, आपका फीडबैक पता चले कि ये आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है, और हमको इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है देन डेफिनेटली आप इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।